नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर फूलों से इस्तकबाल होगा। सिविल एविएशन ने इस्तकबाल करने के लिए फूल फेंकने की इजाजत दे दी है। सिविल एविएशन की जानिब से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर फूलों से इस्तकबाल होगा। सिविल एविएशन ने इस्तकबाल के लिए फूल फेंकने की इजाजत दे दी है। सिविल एविएशन की जानिब से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए बाकायदा तौर पर इजाजत मांगी गई थी सिविल एविएशन को, जिसके बाद सिविल एविएशन की जानिब से बाकायदा जो है वो फूल फेंकने की इजाजत दे दी गई है। अब नवाज शरीफ का इस्तकबाल फूलों से होगा और फूलों से इस्तकबाल करने के लिए बाकायदा जो है वो चार जो है वो अफराद जो कि वो पायलट हैं उनको इजाजत दी गई है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविल एविएशन की जानिब से मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए मखसूस टाइम भी दिया गया है, जिसमें 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के दौरान जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें जलसागाह भी शामिल है, और जब कायद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे तो भरपूर तरीके से फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और ये क्योंकि 4 साल के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं, तो उनका इस्तकबाल भी भरपूर तरीके से किया जाएगा, जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।